वर्ल्ड के लार्जेस्ट कार मेकर्स अब फिर एक बार नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं चीन पर, बिकॉज बात ही कुछ ऐसी हुई है। सेमीकंडक्टर्स की मुसीबत तो कम हुई नहीं थी कि एक और दूसरी मुसीबत आ पड़ी। नाउ अब यहाँ पर तो दुनिया के बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स को एल्यूमिनियम अलॉय का एक काफी बड़ा शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देख लो पूरी दुनिया में एल्यूमिनियम अलॉय ऑलमोस्ट काफी जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे गियर बॉक्सेस, स्टेयरिंग व्हील, सीट फ्रेम्स, फ्यूल टैंक कवर जो होते हैं कार में, ऐसे तमाम सारी चीजों के लिए हमें चाहिए होता है। बट इसका जो की कॉम्पोनेंट है तो वो है मैग्नीशियम। नाउ एक बात जानकर तो आप काफी ज्यादा चौंक जाओगे कि पूरी दुनिया चाइना पर इतनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जो मैग्नीशियम प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो वो है अप्रोक्सीमेटली 10,20,000 टन्स की। और वहीं चाइना की बात करें तो ये तो खुद ही 8 लाख टन्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया की बात करें तो दूर दूर तक यहाँ पर इंडिया का नाम नहीं है, टॉप 10 लिस्ट में यहाँ पर इंडिया है ही नहीं, बिकॉज इंडिया की मैग्नीशियम प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा लो है। तो चाइना की आप यहाँ पर कह सकते हो साफ साफ मोनोपोली है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी चाइना में तो कोल क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज फेस कर रहे हैं ये कंट्री। सो इसका एक काफी सीवियर इफेक्ट अब पड़ चुका है इन अलॉयज पर, यहाँ पर शॉर्टेज आ चुकी है, काफी ज्यादा प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट हो चुकी है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड की जो भी मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट थी 85% तो चाइना ही यहाँ पर पूरा कर देता था। बट यहाँ पर एक टाउन है शांगजी प्रोविंस करके, यहाँ पर से ऑलमोस्ट 70% ये लोग सोर्स कर रहे थे और मैग्नीशियम का ये काफी बड़ा सोर्स है। तो यहाँ की तो लोकल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इन यहाँ पर जितने भी प्लांट्स थे, शॉप्स थे, सब शट डाउन करो, जो भी मैग्नीशियम के स्मेल्टर थे सब बंद करो बाय द एंड ऑफ द ईयर। और इसी की वजह से अब पूरी दुनिया ने, जो भी कार मार्केट है पूरी दुनिया का कार मार्केट, इन्होंने अब अपनी भौहें चढ़ा ली है, इनमें अब एक आक्रोश आ चुका है। बिकॉज यूरोप की अगर सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पर तो मैग्नीशियम का जो प्राइस था पर टन के हिसाब से 75% की बढ़ोतरी इन्होंने दर्ज कर ली है। वहीं जर्मन के जो मेटल ट्रेड एसोसिएशन है, जो डिप्लोमेट्स है, तो वो भी चाइना के साथ बातचीत में लगे हुए हैं कि इस इश्यू को जल्द से जल्द वो सॉर्ट आउट करे, फिर से यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करे, ताकि जो पूरी दुनिया की निर्भरता है तो वो एटलीस्ट वो मेंटेन कर पाए। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर काफी बड़ी समस्या आ गई थी, यूएस में काफी सारे जॉब वर्कर आवर्स कट करने पड़े थे। और अब एक और मुसीबत की वजह से यहाँ पर काफी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, फोर्ड, जनरल मोटर्स जैसे, काफी स्थिति ऐसी भी आ चुकी है कि इन्हें कुछ दिनों तक प्लांट को शट डाउन भी करना पड़ सकता है। चिप शॉर्टेज की ही बात कर ले तो अकेले इस चीज ने पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 100 से 200 बिलियन डॉलर का आराम से काफी बड़ा झटका दिया है। एंड नाउ अब पता नहीं कि मैग्नीशियम, ये जो एल्यूमिनियम अलॉय का झटका होगा, ये कितना बड़ा होगा। इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल की लिंक मिल जाएगी।